ये बब्बू को उठाने की कोशिश में है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है 18 मार्च और 18 मार्च को होता है मेरा बर्थडे। तो मैं आ रखी हूँ अपने मायके में, ये तो हो गई पहले की बात। और ये देखिए टूबी जो कि सुबह सुबह आ चुका है अपने दोस्त को, मतलब कि सारांश को उठाने के लिए। आज बब्बू मुझे बर्थडे विश करने वाला है। पहले तो मैं कर दूंगी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सबसे पहले मुझे टूबी ने किया रात को 3 बजे। वो यहाँ आया, मैं सो रखी थी, करके चला गया। फिर उसके बाद किया किसने, किसने किया बताओ? मैं तो पूरी रात कर रही थी। नहीं, फिर उसके बाद किया पतिदेव ने, फिर मम्मी ने, नहीं नहीं फिर बहन ने, फिर मम्मी ने, फिर भाई ने। मैं तो पूरी क्लीन ले रही थी। मम्मी तो रात भर, बेचारी मम्मी ने आज के दिन मुझे पैदा किया था तो तय है भाई। कहते हैं मम्मी बोल रही थी बर्थडे वाले को भी पूछते हैं और जिसने पैदा किया होता है उसको भी नहीं पूछता। और क्या? असली बर्थडे तो उनका होता है जिन्होंने जन्म दिया होता है उस दिन, क्योंकि भाई वो दर्द वो पीड़ा तो उन्होंने ही सही होती है ना। मैंने थ्रेडिंग बनवाई थी कल, ये बहुत ही पतली सी नहीं लग रही आज मम्मी? पतली नहीं कर दी इसने, और मैंने बोला भी तो मोटी मोटी रखना। थैंक यू। तू भी करेगा? ये भी करेगा भाई। तेरी पारी नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, तुझे मैं दे वाला बिस्कुट। हाँ रे, मॉर्निंग की पहली चाय, जन्मदिन की मॉर्निंग की पहली चाय मेड बाय पारुल। और ये देखिए खाने के लिए लोग पहले आया पर इकट्ठे हो चुके हैं। मेरा बर्थडे है मैं ही खाऊंगी, मेरा बर्थडे है मैं ही खाऊंगी। ओके टूबी। तो जन्मदिन वाले दिन आपको जैसे कि पता ही है हम लोगों में पूरी पकौड़ी ज़रूर बनाई जाती है। तो यहाँ पर मम्मी ने भी तैयारी करी हुई है पकौड़ी बनाने की। तो वैसे तो उड़द की दाल की पकौड़ी को शुभ माना जाता है, पर अब आजकल में क्या हो गया ना, उड़द की दाल इतनी नहीं खाई जाती है, तो इसलिए मूंग की दाल भी खाई है। और उसी में ही जैसे 2-4 दाने या 1 चम्मच उड़द की दाल भी डाल दी थी ताकि शगुन भी हो जाए और पकौड़ी भी बन जाए। तो यहाँ पर 6-7 घंटे आराम से हो चुके हैं, इसको पीस लिया है हमने, थोड़ी गीली गीली लग रही है पर पकौड़े इसके भी अच्छे बन जाते हैं, वरना सील बट्टे में पीसी हुई है तो कहने ही क्या। तो यहाँ पर नमक हल्दी मिर्च सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना होता है। तो यहाँ पर बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है ना कि पकौड़ी बना रही है मम्मी, तो अच्छा लग रहा है। मतलब अपने बर्थडे के दिन किसे अच्छा नहीं लगता है ना। और जब हम छोटे थे तो मैं जब छोटी थी मेरे को तो मतलब 15 दिन पहले से ही बड़ा वो होता था कि बर्थडे आने वाला है, बर्थडे आने वाला है। अब तो खैर इतना नहीं रहा, अब तो अपने बच्चे के लिए होता है कि उसका बर्थडे आने वाला, उसका बर्थडे आने वाला। वैसे ही आज मम्मी को भी हो रहा होगा कि हाँ भाई मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। क्या बना रहे हो आप आज? आज हम पकौड़ी बना रहे हैं। अच्छा, किस उपलक्ष में? ये हमारी बड़ी बिटिया का जन्मदिन है। अच्छा, मेरा जन्मदिन। किस चीज की पकौड़ी है वैसे? ये मूंग की दाल की है। अच्छा, दो दो। और ये क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, क्या दिखाना है? और ये रहा हमारा केक है। क्यों मंगाया आज नानी ने केक? क्योंकि ना, हाँ, क्योंकि क्योंकि आज मम्मी का हैप्पी बर्थडे। और नानी क्या बना रही है? पकौड़ी। ये पकौड़ी। तो जिस टाइम पकौड़ी बन रही थी बाहर, मेरे भाई बहन मिलकर के कर रहे थे तैयारी पार्टी की। तो मतलब ऐसा है ना, अब बच्चा हो तो उसके लिए सरप्राइज़ बोल के कुछ भी डेकोरेशन कर लो, पर मैं तो बड़ी हूँ, मेरे को मेरे साथ क्या छुप सकता है, मैं तो खुद ही डेकोरेट करती रहती हूँ सबके बर्थडेज़ में। तो यहाँ पर वो लोग लेके आए थे बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, तो मज़ा आता है यार एक बार फिर से बच्चा बनने में, फिर से पेरेंट्स के साथ केक काटने में, तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मंगाई हुई थी और यह है घर के ज़रूरी है। बैठो बैठो जाओ। तो टाइम आ चुका है केक कट करने का, तो आइए बर्थडे गर्ल केक काटिए।
तो वैसे तो मैं बर्थडे यहाँ पर मना ही रही हूँ, अच्छा भी बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पहले की सारी यादें जो होती हैं ना वो ताज़ा होती जाती है कि पहले हम कैसे मनाया करते थे, मम्मी पापा ने पहले से लेकर अब तक कोई कमी नहीं की, बर्थडे इतने अच्छे से मनाया, तो बहुत मज़ा आ रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, पर जितना मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा था उतना ही ऐसा होता है ना कि शादी जब लड़की की हो जाती है फिर उसके दो दो परिवार हो जाते हैं, तो उसका मन भी दो दो जगह पे हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं मज़े कर रही थी पर मेरा मन दूसरी जगह भी था कि बच्चे, घर वाले बच्चे और जो हमारे हस्बैंड जी हैं मनीष, वो भी साथ में होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। मतलब यार कहीं ना लड़की का वो हो जाता है ना, दो जगह दिल हो जाता है कि सब लोग मिल के करते तो और ज़्यादा अच्छा होता। तो याद उनकी भी आ रही थी मुझे। हेलो दोस्तों, तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और केक हमारा कट चुका है। एक केक काटा था बर्थडे का और एक केक काटा था 10K सब्सक्राइबर का, जो कि पेंडिंग था तब से। तब से मैं सोच रही थी काटूंगी, फिर मैंने सोचा आज ही काट ले। तो ये मेरा भाई दिन में ही आया है बेचारा, पंजाब बंद हो चुका है इसलिए ये कॉलेज से वापस आ गया। ये हमारा बेटा राम, ये केक खा रहा है, नहीं पिज्जा पेल रहा है। ये माता रानी बैठी हुई है पकौड़ी बनाने के बाद, और ये रही पकौड़ी, अभी खा लीजिए आप सभी। हैप्पी बर्थडे, ये हैप्पी बर्थडे वाला नहीं, ये 10K वाला है। और ये मेरी बहन, पापा चल गए अंदर क्योंकि वो येलो वाला केक कटा, 10 वाला केक। ये ड्रेस है, ये मम्मी ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की है और बिल्कुल फिटिंग की आई है, क्योंकि उन्हें मेरा वो पता ही है साइज की, मैं कौन सा साइज पहनती हूँ, तो डायरेक्ट वही मंगाया, तो बिल्कुल सुंदर लगा है। कलर, डिजाइन, फिटिंग सब बहुत सुंदर है। दिखाऊं? क्या? तो हर बर्थडे पे मम्मी मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देती ही हैं, तो इस बर्थडे पे उन्होंने एक सूट भी मेरे लिए मंगा के रखा हुआ था। तो आजकल तो वैसे भी रेडीमेड सूट्स का बहुत ज़माना चल गया है, तो अब मैं सिलवाती भी बहुत कम हूँ, मैं रेडीमेड ही लेती हूँ, कौन अब सिलवाने का झंझट मोल ले। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो पार्टी हो चुकी है समाप्त, अब पिज़्ज़ा, चाउमीन, चीज़ मशरूम, नहीं क्या था वो, चिली मशरूम और केक, चारों चीजें निपट गई हैं। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये आए हैं पकौड़ियों पर। लास्ट में घर की चीज काम आती है सब निपट जाने के बाद, है ना शाराज? अभी केक छूटा हुआ, केक तो छूटेगा ही, दो दो केक थोड़ी खाए जाएंगे हमसे, हम राकर्स थोड़ी ना है। तो दो केक मंगाए थे जिसमें से दोनों आधे आधे बचे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, कल तक काम आ जाएंगे। पर कल तक तो चल जाएगा पर फिर खत्म करने पड़ेंगे। और कपड़ों में भी लतरपतर कर दिया, मेरे को सूट धोना पड़ेगा अभी ये उतार के। कल अच्छा लग रहा है ना, मेरी माँ ने गिफ्ट दिया है मुझे, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, शुक्रिया शुक्रिया। और मेरी बहन मुझे गिफ्ट देगी, पता नहीं क्या कह रही थी कि मैं भी कुछ लाई हूँ, मैं भी लाई हूँ, और मैं भी दूंगा मम्मी को। तो बर्थडे हो चुका है कम, मतलब बर्थडे तो 12 बजे तक रहेगा ही, पर मतलब अभी बज गए हैं 7:15 और सब खाने पीने का निपट चुका है। तो पापा ने नहीं खाया था क्योंकि पापा बाहर का अवॉइड करते हैं, इसलिए बाहर का हमने उन्हें दिया भी नहीं, बस केक टेस्ट किया था क्योंकि वही लड़की का बर्थडे है। और बहुत अच्छा लगा, 7 साल बाद मैंने अपने मायके में बर्थडे बनाया है। पहले तो काफ़ी बार बनाया, मतलब ये मान लो हर बार बर्थडे बनाया है ऐसे केक ला के मम्मी पापा के साथ। पर शादी के बाद ना ऐसा होता है, इमोशंस चेंज हो जाते हैं, फीलिंग्स चेंज हो जाती है, मतलब और ज़्यादा लगता है कि हाँ, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पहले तो लगता ही था पर आज मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हाँ, अपने पेरेंट्स के साथ भी बर्थडे मना रही हूँ। बस थोड़ी सी उधर उनकी भी याद आ रही है, क्योंकि ऐसा होता है ना यार, वहाँ पर भी एक आस लगी रहती है, अब बर्थडे आएगा तो सेलिब्रेट करेंगे, तो डॉली और जैसे बड़े एक्साइटेड रहते हैं बर्थडे मनाने के लिए, तो वो भी सोच रहे होंगे। पर इस बार मैं यहाँ पर आ गई थी तो इस वजह से मैंने यहीं पर मना लिया। तो अब देखते हैं वापसी कब होती है, बाकी
तो देखते हैं वापसी कब होती है। और जिन जिनके मुझे फ़ोन्स आए हैं या फिर उन्होंने मेरे को वो YouTube पे मैसेज करके विश किया है, उन सभी को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज के इतने बिजी टाइम में कोई मतलब सब बिजी रहते हैं, तो याद भी रहता है तो फ़ोन करना भूल जाते हैं या मैसेज करना भूल जाते हैं, तो इतने बिजी होने के बावजूद जिन जिन ने मुझे विश किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है उनका भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ बिजी लाइफ में टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ अंदर, बहुत सारी बातें मार ली और बहुत सारा मज़ा भी आ रहा है, तो थोड़ा अंदर जाती हूँ। मम्मी पापा अंदर जा चुके हैं तो उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना वीडियो के चक्कर में बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हूँ, तो यहाँ पर मैं वीडियो कम इसीलिए बनाती हूँ। तो बर्थडे का वीडियो मेरा पूरी कोशिश है मैं आपको जल्दी से जल्दी दे पाऊँ। और पति देव हमारे हैं घर, उनका फ़ोन आ गया था एक दो बार, उनको भी कुछ काम है तो इसलिए वो भी थोड़ा बिजी हैं, अब करूँगी उनको थोड़ी देर में फ़ोन। तो चलती हूँ मैं, आपसे मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। और आज के दिन जिस जिसका बर्थडे है 18 मार्च को, उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू, आप सभी को भी जिन जिनका बर्थडे है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।